नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि मुंबई के अंदर केस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोई अफरा तफरी नहीं मची। और दिल्ली के अंदर भी केस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं ऑक्सीजन को लेकर चिंतित हैं और अफरा तफरी मची हुई है, बहुत लोग मर रहे हैं। दोनों ही जगह ऐसी सरकार नहीं है जो केंद्र में बैठी हो। अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पर उद्धव सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, और दोनों ही सरकारें केंद्र के अपोजिट हैं। अब जब शाम को ये कुछ लोग डिबेट करवाते हैं, इनकी बड़े बड़े चैनल जो हैं, कथित बड़े बड़े चैनल, उनके ऊपर डिबेट होती है, तो दिल्ली के अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बैठा है तो वो तू मैं किसके साथ कर रहा है, वो तू मैं कर रहा है बीजेपी वाले के साथ कि आप लोग हमें केंद्र प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही, और केंद्र वाले कह रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मतलब आपस में भिड़ते रहते हैं। इसी बीच ये सोचने की बात है कि उद्धव सरकार को ऑक्सीजन कौन दे रहा है और मुंबई में अफरा तफरी क्यों नहीं मची हुई, ये जानने के लिए दोस्तों आज आप जो दैनिक भास्कर आया है उसके अंदर एक नीचे का एक स्टडी लिखी हुई है, जिसमें इकबाल सिंह चहल IAS अधिकारी हैं और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त हैं, उनके द्वारा जो बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने मुंबई के अंदर मैनेज किया, वो आर्टिकल जरूर पढ़ें। इस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इकबाल सिंह चहल साहब बताते हैं कि जब पिछली बार कोरोना की लहर आई, पहली कोरोना की लहर जो 2020 में आई थी, उस टाइम आपने देखा होगा कि मुंबई में बुरे हाल थे। आपने धारावाहिक के अंदर देखा होगा कि बहुत गरीब बस्ती है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, उसके अंदर मतलब लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए थे। और मुंबई तो एक ऐसा शहर है जहां पर आप देख सकते हैं कि दुनिया जहान की आबादी वहां पर होती है, माया नगरी है, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर कोरोना फैल रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब पिछली बार पहली लहर आई तो मुंबई कॉरपोरेशन ने क्या किया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल्स के अंदर टंकियाँ बनवा दी जिसमें ऑक्सीजन स्टोरेज की जा सके। दिल्ली वालों ने ये काम नहीं किया, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल उनमें भी ये काम नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक उनमें भी ये काम नहीं हुआ। दूसरी बात, जो PSA करके एक तकनीक होती है, उस तकनीक से आज के वक्त में भी 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट की जा सके, ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है जो बहुत जल्दी में ही कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले भी उन्होंने नए नए प्लांट लगवा दिए और बहुत से हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने ऐसे प्लांट लगा दिए। आपको मालूम होगा कि हरियाणा के अंदर अनिल विज ने बोला कि भाई आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सभी मेडिकल कॉलेजेस को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने पड़ेंगे, एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। लेकिन मुंबई ने ये जो अनाउंसमेंट इन्होंने अब किया है, ऐसी अनाउंसमेंट तो नहीं की लेकिन ऐसे सोच लिया था और ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था कर ली थी। अब मरीज जो हैं वो दिल्ली में ज़्यादा क्यों मर रहे, दिल्ली में इसलिए ज़्यादा मर रहे क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है जी। बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोग मर गए, फलां हॉस्पिटल में 40 लोग मर गए जी, ऑक्सीजन नहीं है। और मुंबई में क्या हुआ, पेशेंट आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, वहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं लेकिन उनके पास ऑक्सीजन है प्रॉपर मात्रा में, तो वो उतनी दिक्कत नहीं आ रही। और इसके बारे में इन्होंने ये भी लिखा है कि रोज़ाना 3,98,000 लोगों की 10 लाख में से, प्रति 10 लाख में से 3,98,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, घर पे जाके उनको टेस्ट किया जा रहा है कि भाई कोरोना है या नहीं। और उसी के साथ जो सीरो सर्वे थे, 3 सीरो सर्वे करवाए हैं इस मामले में, अगर देखें तो दिल्ली आ गया, दिल्ली ने 5 सीरो सर्वे करवाए हैं अभी तक। तो जो सीरो सर्वे में क्या होता है कि ये पता कर लेते हैं कि भाई कितने लोगों की एंटीबॉडी बन चुकी है, यानी अगर मान लीजिए मुझे कोरोना हो जाए और कोरोना होकर मैं ठीक हो गया तो भी ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर वैक्सीन वाला काम हो गया, अब मुझे कोरोना नहीं होगा। और अगर मान लीजिए मुझे वैक्सीन लग गई तो इसके बाद भी मुझे कोई सीरियस वाला कोरोना नहीं होगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोरोना हो सकता है लेकिन उतना सीरियस नहीं कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो सीरो सर्वे के अंदर ये एक अंतराल के बाद ये मुंबई वाले करवाते रहे तो उससे पता चल गया कि भाई कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, कितने लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है और कितनी अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए मुझे वैक्सीन लगी है और उसके बाद मुझे कोरोना हो गया तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पहले कोरोना हुआ है, दोबारा कोरोना हुआ है तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पहली बार इफेक्ट हुए उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से
मुंबई की जो कॉरपोरेशन थी इसने 24 वार रूम बनाए, 10 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल हॉस्पिटल से इन्होंने प्रॉपर नज़र रखी। खैर दोस्तों, इस मामले में अगर देखें तो दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं, लेकिन कोरोना के मामले में मोहल्ला क्लिनिक का कोई काम नहीं है और उनके अंदर कोई एडवांस फैसिलिटी और वो चीज़ें भी सरकार नहीं कर पाई, अपने हॉस्पिटल्स को सुधार नहीं पाई और पूरा का पूरा ब्लेम केंद्र सरकार पर डालना शुरू कर दिया। और मुंबई की जो उद्धव सरकार है उसने सबसे बढ़िया बात ये की कि उसने ऑक्सीजन भी प्लांट भी लगवाए, हॉस्पिटल्स में थोड़ा एडवांसमेंट भी करवाया और उसी के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन रखा। ये बात वो खुद कहते हैं कि हमने केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन रखा, माइक्रो प्लानिंग की और उसी के साथ साथ हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ऑक्सीजन सप्लाई हो, मेडिसिन की कोई भी चीज़ की सप्लाई हो। खैर उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार भी बहुत जल्द, वैसे बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत जल्द इस मामले में भी कोई नया और अच्छा स्टेप उठाएगी। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।